बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 जून 2020 सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब और अमारात से 44 मजीद परवाज़ें। हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब, मुतहद अमारात और दीगर ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 50 मजीद खसूसी परवाज़ें तरतीब दी हैं। इन में से 44 परवाज़ें सिर्फ सऊदी अरब और अमारात से शेड्यूल की गई हैं। इन परवाज़ों के ज़रिए 11 से 15 जून तक मुतहद अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर और ओमान में मौजूद पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर, मुल्तान और फैसलाबाद लाया जाएगा। PIA के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ ने उर्दू न्यूज़ को बताया है कि ये खसूसी परवाज़ें PIA के अलावा एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस और कतर एयरवेज़ की जानब से भी चलाई जाएंगी। मुतहद अरब अमारात से 30, सऊदी अरब से 14, कतर से 5 जबकि ओमान से 1 परवाज़ पाकिस्तानियों को वापस लाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया और कर्गिस्तान के लिए भी 1 परवाज़ शेड्यूल की गई है। इससे कबल हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का अमल तेज़ करते हुए खसूसी परवाज़ों में इजाफा किया था और PIA ने 1 से 10 जून तक सऊदी अरब और मुतहद अमारात के लिए 50 से ज़ायद परवाज़ें शेड्यूल की थीं, जबकि ओमान, कतर और बहरीन समेत यूरोप से भी खसूसी परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। ये थी फ्रेंड्स अभी तक न्यूज़ अपडेट। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।